हार्ट उठाना है और जला देना है। ओरियो केक कैसे बनाते हैं विदाउट ओवन? हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। मैं चाहती हूं चलो चल के इस ब्लॉग में आए। सीडी सर गाइस थे उन्होंने बना था। चलो हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो ये हर बार की तरह अब की बार भी हम जा रहे हैं चांदनी चौक। जैसा कि हर सीजन मम्मी को चाहिए होते हैं सूट, मम्मी लेने देने वाले सूट, मम्मी के पर्सनल सूट, सारे अलग अलग टाइप के सूट। तो मम्मी लेने जाएगी पर हम सूट तो नहीं बांटेंगे हम की बार आपको। No, बोरिंग नहीं रखेंगे। अब यार हम आपको अलग चीज दिखाएंगे, कुछ भी दिखाएं पर सूट नहीं दिखाएंगे। बहुत प्रमोशन कर रही हूं अंकल। हाँ भाई, हमें आपसे छोटी मोटी कुछ बातें करनी थी। बातें बताओ। हमें एक जो बंदा है या बंदी है उसका जवाब देना था कि वो कमेंट हमें कर रही है या कर रहा है कि भाई टावल में दीदी आप वो बनाओ, वो कुछ करो, मतलब जो भी उनका कहने का मतलब है, टावल लगा के। हाँ, मतलब जो भी उनका कहने का मतलब है वो करो। तो भाई हमें आती है, देखो शर्म, गंदी शर्म आती है। मैं बता देता हूँ, बाल है ही नहीं इतने तो टावल में आए। तो अच्छा वो बात छोड़ो, सीरियस बात है भाई, सच में ये चीज थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि इतने हम यूट्यूबर नहीं है कि भाई कुछ भी करेंगे। तो आप लोग कुछ ऐसे आइडियाज दो कि जो हम कर सके और आपको भी देखने में मजा आए, लेकिन थोड़े छोटे कम ऐसे जो हमारे करने लायक हो, हमारी औकात से बाहर ना हो। फिर हमें अच्छा लगा आपने कमेंट करा और आपको हम इग्नोर नहीं कर रहे थे, जो बोल रहा था वो आपको इग्नोर नहीं कर रहे थे, हमने आपका रिप्लाई दे दिया और हम पिछली वीडियो में भूल गए थे रिप्लाई। और मैं आपको डॉलर से भी मिलवा देती हूँ। ये रहा हमारा जो की ये देख भाग गया मेट्रो में। दीदी मम्मी भी साथ में है, कहीं और नहीं गए हैं, अब चलेंगे हम चांदनी चौक। भाई आज यहाँ पे तो बहुत ज्यादा ही भीड़ लग रही है, देख लो आज। ये अंकल इतने हैवी ड्राइवर है, चढ़ा रहे। मम्मी ने अभी अपने सूट वगैरह ले लिए हैं, अब जा रहे हैं हम पराठे वाली गली में। किस टाइप के पराठे? देखो यहाँ पे, ये देखो रुजा यहाँ से दिखाते ना, टोला टोट का पराठा, चिन्नी का पराठा, रबड़ी पराठा और चॉकलेट का पराठा। अब आया है हमारा पराठा, ये मेरा आलू का पराठा, वो पनीर का, ये मम्मी का गोभी का। बैक गाइस, आज है सेकंड डे सेम व्लॉग। और चांदनी चौक में बहुत ज्यादा भीड़ भड़ाका था उस दिन, पता नहीं कैसा था। तो हमने सोचा कि छोड़ो, इतने भीड़ भड़ाके हमसे बढ़ ही नहीं पाया। और उस दिन हम थक गए थे बहुत, पराठे खा के इतनी गंदी थकी है ये, और साथ में मैं भी, मैं अपने आप। और मम्मी ने ऊपर से हमें बोझ उठवा के हमें खच्चर लेके जाती है मम्मी, सच में। तो भाई ये व्लॉग मैंने कंटिन्यू कर लिया, वैसे तो मैं सोच रहा था कि इसको ना ही डालूं, पर फिर भी मैंने कंटिन्यू कर लिया क्योंकि दीदी केक बना रही थी। दीदी केक बना रही थी तेरे कहने पे। पहली बार हुआ ऐसा? हाँ पहली बार। देख झूठा कितना गंदा झूठ बोल रहा है। नहीं बना रखा मतलब पहले। अच्छा तो हमने सोचा आप लोगों को भी रेसिपी शेयर करते हैं, मेरा जी कर रहा था केक खाने का। दीदी तो हमने सोचा एक कंटेंट निकाल लेते हैं इसमें से जब बना ही रहे तो। भाई सबसे पहले क्रीम और बिस्किट्स अलग कर दो और इस डॉग ऐसे ऐसे डॉग्स को दूर रखो। हमारा केक सबसे बेस्ट तभी बनेगा जब तुम इन बिस्किट्स को ऐसे निकालते निकालते बीच बीच में खाते रहोगे। 7 या 6 बिस्किट हमने डाल दिए हैं इसमें, 10-10 वाले। ओरियो सिर्फ बिस्किट बिस्किट विदाउट क्रीम क्रैश कर देने हैं। क्रश कर देने हैं, क्रैश कर देने हैं, एरोप्लेन की लैंडिंग क्रैश कर रहा है तू। हां मतलब क्रश कर देने हैं। हां इंग्लिश वेरी गुड, इंग्लिश मुझे मिट्टी कर रखी है ना, ऐसे खचर खचर करेंगे। ये रो भी पड़ती है ये, तुझे नहीं पता सही में? आ मम्मी आपको मैं बता दूं, यश ने ना ये तोड़ दिया। तू नहीं तोड़ा है इसका, ये तोड़ दिया। अरे खुद मम्मी खुद तोड़ के मेरा नाम लगा दिया। देखो कौन लगा, मैंने जब से कैमरा ऑन करा तो कौन लगा है अब कर रहा है, क्योंकि बच्चों के हाथों नहीं देते हैं ये, समझ में नहीं आती। इतनी बार मना कर रखी मम्मी ने, क्या रखे ना बड़े पहले भाई से पूछा कर। बड़े पहले भाई से पूछा। चिरकुट 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 ही रहेगा। यस गाइस, हमने आप लोगों के लिए कैमरा लगा लिया है, अब हम आपको बताएंगे कि हम ओरियो केक कैसे बनाते हैं विदाउट ओवन, क्योंकि हमारा ओवन खराब हो चुका है।
यही बताना था क्या? मैं तो ये सोच रहा था कि मैं ये कह दूंगा कि भाई हम आपको नई चीजें दिखाते हैं कि कुकर में कैसे बनता है, पर इसने तो कुकर में बताएंगे ना। तेरी आंटी बता दी कि वो नहीं खराब है हमारा भाई, वो खराब है क्यों झूठ बोल रहे। Few moments later. नहीं, ये वाला जो मिक्सचर है वो हमने ऐसे बाहर निकाल लिया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसमें कैलोरीज तो बहुत फूट फूट के होने वाली है। इसमें प्रोटीन है, इसमें क्लोबल चल फोकस ऑन योर बेकिंग फूड। रुक जाओ मैं भूल गई क्या करना होता है। ये तो सेम है। रुक जाओ इनो दूध, ये हमने जो बैटर निकाला था ना वो हमें वापिस उसमें ही डालना है। ऐसे पागलों से इसलिए पहले 10 सेकंड स्किप करके आगे देख लेना क्या होने वाला है। अब ये जो हमने ये जो क्रीम थी ना वो सारी हमें इसमें डालनी है। इनो लेंगे थोड़ा सा, जस्ट 15 से 20 पैकेट। मैं आपको दिखाती हूँ गिर जाता हूँ इसी रोज में। पहले कदम गिरा देती पैकेट में से इतना ही इनो लिया 1 टेबल स्पून। This will look like that. थोड़ा 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 मिल्क ऐड करते रहेंगे जब तक ये खुला आसमान बिल्लो खुले आसमान बिल्लो कट मेरी जान बिल्लो तेरा तकना फुला तो भी होने नहीं तू फीम दिया गोले नहीं। So first of all we have to put batter. मुझे भूखर पहले ऐसे दिखा। We have to put cake batter in this. In this way. In this and add much of salt in this. वो तुझे पता है? Yes and put one कटोरी salt and one कटोरी उल्टी on this. बस बहुत। And then. इस मेरे भाई का इलाज करा रहा हूँ। Sorry guys. And put this like this. Sorry guys, मुझे मेरे वाइफ का इलाज करवाना है। लिया है नमक एक कटोरी अंदाजे से। अंदाजे से। तो हमने घी लगा लिया है और घी का फ्लेवर वो केक पे ना आए ज्यादा इसलिए हमने बहुत थोड़ा थोड़ा बिल्कुल थोड़ा कि टच ही हो पाए बस उस पर हमने बेसन डाल दिया हल्का हल्का बहुत हल्का हल्का ऐसे ऐसे करके। तो आपका बैटर इतना बनना चाहिए। मैंने अपना बैटर इसमें सारा प्रॉपर डाल लिया है और कटोरी मैं इसमें ऐसे सीधी करके इसके अंदर रख दूंगी बिना जले। लाइव एक्सीडेंट दिखाता हूँ कैसे होता है। देखिए मैंने अब इसमें रख दी, अब ऐसे के ऐसे ही मैं इसमें रख दूंगी और वो रखेगा यश। यश के मुझे डर लगता है गाइस हमारे ना एक छोटा सा पॉपट आ चुका है। वो पता है इस कुकर में ये बर्तन आ नहीं रहा मेरे याद नहीं रही। इस कुकर में नहीं हमने कढ़ाई में बनाया था वो उस दिन। यूटेंसिल चेंज करते हैं वही सारा काम आप अपने कढ़ाई में करना। ओके मैं कह रहा था ना 10 सेकंड आगे करके मैंने देख लिया। तो गाइस कटोरी को छोड़ के हमने ये रखा है इसमें क्योंकि हमने कुकर में कटोरी रखी थी तो अच्छे से नहीं थी और इसमें बरबर हो जाएगा। मतलब कटोरी नहीं रखनी है आपको प्लेट ही रखनी है। कैसे रखूं रख दी। हार्ट उठाना है और जला देना है इसमें और प्लेट उठाना है और ऐसे इसको ढक देना है। हो गया मंदी आंच पे 15-20 मिनट छोड़ दे। 15-20 मिनट नहीं 10-10 मिनट में चेक कर लेना। हो चुका हमारा केक रेडी और ऐसे टेस्ट करेंगे फोक में अगर कुछ लग के आया तो मतलब खराब बना हुआ है। ये हो चुका है रेडी केक। अब बहुत मिन्नतों से रेडी हुआ ये जो डेकोरेट हुआ है हमारा केक कोई और डेकोरेट करने में लगा हुआ है। शक्ल में मजा ना गाइस जिसकी ये हमारा केक है अच्छे से रेडी हो चुका है ठंडा भी हो गया है और अब देखते हैं दीदी के हाथ में टेस्ट है या नहीं तो इसको कट करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू। कितना सॉफ्ट है देखो कितना सॉफ्ट है। देखो कितना सॉफ्ट है कि खिंड चुका है। ये है हमारी टॉपिंग्स जो हम डिप कर करके कैसा लगा? इससे आप हो गया अच्छा लगा। इससे ज्यादा तो अच्छा लग रहा है ना। ये जरूर छोड़ना एंड में ऐसे खाने के लिए नहीं तो आपको टेस्टी नहीं लगेगा। भाई ये एक पीस आपके नाम भी थोड़ा सा खा लो और बस आज की वीडियो में इतना ही और ये मीठा मुंह करवा दिया है आप लोगों का। लाइक करके जरूर जाना ठीक है इसी बात पे और सब्सक्राइब कर देना जो नया है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब करो। बाय बाय।